भावलपुर के हलका पीपी 250 से लीगी उम्मीदवार चौधरी साद मसूद के कागजात कागजात बेफॉर्म और असासों की गलत तफसील देने पर मुस्तरद किए गए। साद मसूद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपेलेट कोर्ट जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड ने मुल्तान के 6 कौमी हलकों से अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। जावेद हाशमी टिकट हासिल करने की दौड़ से आउट हो गए। हल्के ने 155 से तारिक रशीद, 158 से जावेद अली शाह को टिकट के लिए फाइनल कर लिया गया। डीजी खान हल्का ने 192 के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। तहरीक इंसाफ डॉक्टर सईद बुस्तार ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। मुल्तान उम्मीदवार ने 107 मलिक अब्दुल गुफार डोगर के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मामला। कम बजट की उम्र हज की अदायगी करने पर 19 जून को जवाब तलब। मलिक अब्दुल गफार डोगर ने कागजात में 15,000 रुपए उम्र और 25,000 में हज का बजट जाहिर किया। डीजी खान शहर के मुख्य पार्क्स में लगे खतरनाक झूलों का मामला। गाजी पार्क में लगे खस्ता हाल झूले कारपोरेशन ने सील कर दिए। झूलों में आसानी झूला और ड्रैगन बोर्ड शामिल। महकमा लाइफ स्टॉक डीजी खान के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। बेहतर कारकर्दगी वाले मुलाजमीन को इजाजिया देने की मंजूरी। मुलाजमीन में सीनियर वेटर्नी ऑफिसर को 45,000, वेटर्नी ऑफिसर को 23, जूनियर वेटर्नी ऑफिसर को 15,000 इजाजिया दिया जाएगा। तमाम मुलाजमीन को इजाजिया 30 जून से कबल तनख्वाह में मसूल होगा। ईद के करीब आते ही लोधरा के शहरियों की तैयारियों में भी तेजी आ गई। दोस्तों अजीजों अकारब को तोहफे तहाइफ देने के लिए शॉपिंग का सिलसिला जारी। परफ्यूम और इत्र की दुकानों पर खरीदारों का रश। और रहमतों और बरकतों का मुबारक माह इख्तिताम की जानिब रवा। खसूसी रमजान ट्रांसमिशन अफ्तार रोही के संग कामयाबी से जारी। कारिया नसीन अख्तर ने कलाम पाक पेश किया। कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुहेल चीमा की खसूसी शिरकत। नाथवा मुनीर हाशमी ने खूबसूरत नाथ पेश करके समा बांध दिया।